स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मैथ्स ऑफ क्लास फोर्थ। सो आवर टॉपिक इज एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, राइटिंग अ नंबर एज अ सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ इट्स डिजिट इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दैट नंबर। एक्सपेंडेड फॉर्म किसे कहते हैं, जैसे कि हम लोग किसी भी डिजिट, किसी भी नंबर की जो नंबर होता है उसमें जो डिजिट होती है उसके हम लोग प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ा था, तो जो प्लेस वैल्यू होता है उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। राइटिंग अ नंबर एज अ सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ इट्स डिजिट, मतलब एक नंबर दिया गया है और उसके जो नंबर है उसकी जो हर डिजिट का जो प्लेस वैल्यू है उन सबको सम के अकॉर्डिंग, सम के रूप में लिखते हैं ना, क्या कहलाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे कि राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 75,289। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर इज, तो इसका प्लेस वैल्यू कैसे होगी, पहले प्लेस वैल्यू हम लोग देखते हैं। ये क्या है, वंस, ये टेंथ, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड और ये 10,000। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे, नाइन वंस, एट टेंथ, टू हंड्रेड, फाइव थाउजेंड, सेवन 10,000। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्लेस वैल्यू इसकी लिख दी, इस नंबर की हम लोगों ने पहले क्या लिख ली, प्लेस वैल्यू। फिर प्लेस वैल्यू को इसको नंबर में चेंज कर देना, नाइन वंस यानी नाइन इंटू वन, एट टेंस यानी एट इंटू टेन, क्योंकि टेंस मतलब टेन, तो एट को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे, टू हंड्रेड यानी टू इंटू हंड्रेड, फाइव थाउजेंड इज इक्वल टू क्या होगा, फाइव इंटू वन थाउजेंड, सेवन 10,000 इज इक्वल टू सेवन इंटू 10,000। अब इन सबको ऐड करके लिख देना, क्योंकि जो हर डिजिट की प्लेस वैल्यू होगी उन सबको ऐड करके लिखना है, क्या कहलाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। ऐड करके लिखना है तो कैसे, इन सबको इस तरह लिख लिया, उसके बाद ये नाइन इंटू वन नाइन, एट इंटू टेन एट्टी, टू इंटू हंड्रेड टू हंड्रेड, फाइव इंटू वन थाउजेंड फाइव थाउजेंड, सेवन इंटू टेन थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड, इसको इस तरह लिख दे, ये क्या हो गया, बस ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर इससे कैसे करना है, राइटिंग नंबर एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ इट्स डिजिट इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर की जो डिजिट की प्लेस वैल्यू होता है उसको सम के अकॉर्डिंग, सम के रूप में लिखना, जैसे कि सम लिखते हैं वैसे लिख देना प्लेस वैल्यू। किसी भी नंबर के जो डिजिट होती है उनकी प्लेस वैल्यू को सम के रूप में लिखना, क्या कहलाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ईच नंबर एट अ करेक्ट प्लेस। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द सम ऑफ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो हम लोग किसी भी नंबर की फेस वैल्यू निकालते हैं उनको उसी तरीके से उसी मतलब करेक्ट प्लेस पे लिखना। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू तो वही होती है ना, उस नंबर का एग्जैक्ट वही नंबर लिख देना, वही उसकी फेस वैल्यू होता है। अगर 245 लिखा है तो उसमें 5 की फेस वैल्यू 5 होगी, 2 की 2 होगी, तो उन्हीं नंबर को करेक्ट पोजीशन पे करेक्ट प्लेस पे लिख देना, क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अदर वर्ड में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है उसको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब उसको फैला के लिखना, उसको बढ़ा के लिखना, और स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उसको शॉर्ट वे में लिखना। तो यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में जो हम लोग नंबर लिखते हैं उन्हीं सबको, जैसे कि यहाँ पे ये नंबर जो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया, क्योंकि प्लस कर करके दिया गया प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको नंबर में लिख दिया गया, फिर इसको इसके बीच में प्लस लगा दिया गया, ये कौन सा हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, इन सब नंबर को ऐड कर दिए तो कौन सा फॉर्म बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को ऐड कर दो ना, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। सक्सेसर, द सक्सेसर ऑफ अ नंबर मींस द नंबर व्हिच कम्स जस्ट आफ्टर इट, दैट इज वन मोर देन द गिवन नंबर इज द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। सक्सेसर क्या होता है, जो नंबर दिया गया है, जैसे कोई भी नंबर हम लोग के पास दिया गया, उसके बाद वाला, उसके जस्ट बाद वाला नंबर जो आएगा, यानी कि इसके आगे कौन सा नंबर आएगा, जैसे कि अगर फाइव दिया, फाइव के आगे कौन सा नंबर आता है, सिक्स, तो सिक्स क्या होगा, उसका प्रेडिसेसर। या तो फिर इसको अदर वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर दिया गया उसमें वन ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सक्सेसर। सिक्स फाइव में वन ऐड करेंगे क्या आएगा, सिक्स, तो सिक्स क्या है, फाइव का सक्सेसर। फाइंड द सक्सेसर ऑफ 85,769 एंड 742। तो इसका सक्सेसर फाइंड करना, तो क्या करेंगे, इन नंबर में वन ऐड कर देंगे, 85,769 में वन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 81,770, और 723,642 में वन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 723,643। मतलब सक्सेसर मतलब जो भी नंबर दिया गया उसमें वन ऐड कर देना। प्रेडिसेसर, द प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर मींस द नंबर व्हिच कम्स जस्ट बिफोर इट, दैट इज वन लेस देन द गिवन नंबर इज द प्रेडिसेसर ऑफ दैट नंबर। प्रेडिसेसर क्या होता है, जो भी नंबर दिया गया उसके जस्ट पीछे वाला नंबर, जैसे कि अगर फाइव दिया, फाइव के पीछे कौन सा नंबर आता है, फोर, तो फोर क्या होगा, फाइव का प्रेडिसेसर। या तो फिर अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं, जो नंबर दिया गया उसमें अगर हम लोग वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रेडिसेसर। फाइव में वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, फोर, फोर क्या है, फाइव का प्रेडिसेसर।
और वन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिक्स। फाइव में वन ऐड करेंगे सिक्स, तो सिक्स क्या है, फाइव का सक्सेसर है। सक्सेसर में वन ऐड करते हैं और प्रेडिसेसर में वन माइनस करते हैं। स्किप काउंटिंग, स्किप काउंटिंग मीन्स टू राइट अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर विच विद अ फिक्स्ड गैप बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर। स्किप काउंटिंग क्या होता है, जैसे कि कोई भी नंबर हम लोग को दिए गए तो उनके बीच में एक परफेक्ट गैप है, मतलब ये नहीं कि किसी में फाइव का डिफरेंस है, किसी में टू का डिफरेंस है, किसी में थ्री का। अगर डिफरेंस है तो सब में फिक्स डिफरेंस हो, यानी टेन टेन का, अगर 10 नंबर हम लोग को 10 नंबर गिवन है तो उसमें हर नंबर के बीच में 10 10 का गैप हो, तो ये क्या कहलाएगा, स्किप काउंटिंग। इसको बोलते हैं स्किप काउंटिंग, मतलब जो गैप हो वो एक फिक्स गैप हो कि 10 का गैप है, 2 का गैप है, 3 नंबर का गैप है। मतलब अगर कोई हम लोग को नंबर की सीरीज दी गई है तो उसमें जो नंबर के बीच में गैप हो वो फिक्स गैप हो। काउंटिंग ऑफ टू मीन्स देर इज अ गैप ऑफ टू इन एवरी सक्सेसिव नंबर। अगर टू का काउंटिंग ऑफ टू, काउंटिंग बाई टू का मतलब जो सीरीज दी गई है नंबर की उसमें कितने कितने का गैप हो, हर नंबर के बीच में टू टू का गैप हो। मतलब एक अगर है फोर तो नेक्स्ट नंबर क्या हो, सिक्स, तो सिक्स है उसके आगे क्या हो, एट, एट के बाद 10, तो इसमें टू टू का गैप है। सिमिलरली काउंटिंग में टेंस मीन देर इज अ गैप ऑफ 10 एवरी टू सक्सेसिव नंबर्स एंड सो ऑन। अगर काउंटिंग बाई टेंस का मतलब क्या, हर नंबर के बीच में 10 का गैप हो, अगर पहला नंबर 10 है, दूसरा क्या हो 20, फिर थर्ड 30, फोर्थ 40, तो 10 10 का गैप है। काउंटिंग बाई टेंस मीन्स हर नंबर के बीच 10 10 नंबर का गैप हो। काउंटिंग बाई हंड्रेड राइट द नंबर फ्रॉम 36,842 टू 37,342। अब इसमें हंड्रेड हंड्रेड का गैप करके हम लोग को नंबर लिखना है, तो पहला नंबर क्या है 36,842। अब इसमें हंड्रेड गैप यानी कि अगला नंबर जो होगा उसमें इसमें हंड्रेड ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36,942। अब 36,942 में हंड्रेड ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 37,000, सी 37,042। अब इसमें हंड्रेड ऐड कर देंगे तो 37,142, फिर 37,242 में 142 में हंड्रेड ऐड कर देंगे तो 37,242। अब 37,242 में हंड्रेड ऐड कर देंगे तो 37,400 342। मतलब कि हंड्रेड का गैप रखना है, तो यानी कि फर्स्ट नंबर में हंड्रेड ऐड कर देंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा, तो इनके बीच में कितने का गैप है, इन दोनों नंबर के बीच में हंड्रेड का गैप है और इन दोनों नंबर के बीच में भी हंड्रेड का गैप है। हर नंबर में हम लोग हंड्रेड हंड्रेड ऐड करते गए तो इन लोगों में हंड्रेड, इन सभी नंबर में हंड्रेड का गैप आ गया, ये हो गई स्किप काउंटिंग। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यहाँ पे नंबर दिए कि हम लोग को इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे, हम लोग हर डिजिट की प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स, अब इस फॉलोइंग यहाँ पे नंबर पैटर्न दिया गया है, इसको हम लोगों को पैटर्न इसका फाइंड करना है, कंप्लीट करना है। अब जैसे कि ये वाला है 86,594, नेक्स्ट नंबर क्या है 86,694, फिर यहाँ पे कौन सा 86,794, तो उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें देखिए यहाँ पे हंड्रेड हंड्रेड ऐड हो रहा है, पहले 594, फिर 694, फिर 700, यानी कि इसमें क्या है, स्किप काउंटिंग वाला ये है एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इसमें हंड्रेड हंड्रेड ऐड हो रहा है, तो अगला नंबर इसमें हम लोग हंड्रेड ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 86,894। अब इस नंबर में हंड्रेड ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 86,994। अब 86,994 में हंड्रेड ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 87,094, इसमें हंड्रेड हंड्रेड का डिफरेंस था, तो अब इसमें हंड्रेड ऐड कर दिया। अब इसी तरह नेक्स्ट नंबर है, इसके बाद इसमें हम लोग को फाइंड करना है, इसमें 3,02,959 है, फिर उसके बाद है 3,02,859, फिर 3,07,059, 3,02,759, तो इसमें क्या है, इसमें हंड्रेड हंड्रेड माइनस होता जा रहा है, पहले 959, फिर 859, फिर 759, तो अगला वाला जाएगा उसमें क्या होगा 3,02,659, इसमें हंड्रेड हंड्रेड का हंड्रेड हंड्रेड को माइनस करते हुए नंबर है, तो इसी तरह सारे हम लोग को करने हैं। फिर राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ द नंबर, तो इसमें नंबर दिए गए हैं, इसमें हम लोग को सक्सेसर और प्रेडिसेसर फाइंड करना है। तो पहला नंबर है 7,29,400, तो सक्सेसर फाइंड करने के लिए इसमें वन ऐड कर देंगे तो 7,29,401, और प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए इसमें वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7,29,399, इसी तरह बाकी नंबर्स के भी करें। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ पे एक्सटेंडेड फॉर्म में दिया गया, इसके हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। राइट द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर का हम लोगों को क्या लिखना है, सक्सेसर ग्रेटर फाइव डिजिट नंबर यानी 99,999, और सक्सेसर फाइंड के लिए इसमें वन ऐड कर देंगे तो वन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1,00,000। इज द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर फाइंड करना है, राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट नंबर। काउंटिंग बाई फाइव्स, राइट द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर बिटवीन 96,493 एंड 96,403।
इन नंबर्स के बीच में 5 का काउंटिंग बाय 5 यानी 5 5 का गैप होगा, लेकिन रिवर्स में लिखना है, यानी हम लोग को उल्टा चलना है, इसमें 5 सब्ट्रैक्ट करते जाना है। रिवर्स में लिखना है यानी कि पीछे जाना है, ये नंबर जो दिए गए रिवर्स में, यानी कि रिवर्स मतलब होता है पीछे, तो यानी कि 5 का गैप तो रखना है लेकिन कैसे, पीछे की तरफ चलना है, आगे से पीछे की तरफ चलना है। ऐसे हम लोग 5 का गैप रखेंगे तो आगे की तरफ ऐड करते जाते हैं, लेकिन इसमें हम लोग को उल्टा करना है, इसमें जो नंबर दिए इसमें 5 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो 5 5 का गैप होगा और रिवर्स में भी रहेगा। काउंटिंग बाय 20 राइट द नंबर फ्रॉम 36,849 टू 37,109। इसमें तो डायरेक्ट हम लोगों को काउंटिंग बाय 20 यानी 20 का गैप रखना है हर नंबर में और वहाँ तक चलना है। इसमें तो हम लोग को कोई भी रिवर्स का तो दिया नहीं कि हम लोग जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे। काउंटिंग बाय 10 राइट द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम 10,000 टू 9,900। तो इसमें हम लोग को 10 का गैप रखना है लेकिन क्या करना है, रिवर्स में फिर से वही दे दिया गया, रिवर्स में चलना है, यानी कि पीछे की तरफ जाना हो कहाँ तक, 10,000 से स्टार्ट करना है और 9,900 पे एंड करना है, पीछे की तरफ जाना है, यानी कि इसमें 10 10 माइनस करते जाना है, 10,000 में 10 माइनस करते जाएंगे और जब यहाँ पे 9,900 आ जाएगा तो हम लोग स्टॉप कर देंगे। थैंक यू क्लास।